क्या प्रेम के द्वारा सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है? प्रेम और सत्य दो घटनाएं नहीं, एक ही घटना के दो पहलू। सत्य को पालो तो प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम को पालो तो सत्य का साक्षात हो जाता है। या तो सत्य की खोज पर निकलो, मंजिल में पहुंचकर पाओगे, प्रेम के मंदिर में भी प्रवेश हो गए। खोजने निकले थे सत्य, मिल गया प्रेम भी साथ साथ। या प्रेम की यात्रा करो, प्रेम के मंदिर पर पहुंचते ही सत्य भी मिल जाएगा। वे साथ साथ ही, प्रेम और सत्य परमात्मा के दो नाम हैं। लेकिन दो तरह के व्यक्ति हैं जगत में। एक है जिन्हें सत्य को पाना सुगम, प्रेम परिणाम में मिलेगा। दूसरे हैं जिन्हें प्रेम पाना सुगम, सत्य परिणाम में मिलेगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति दो मौलिक मार्ग हैं। स्त्री और पुरुष दो मौलिक विभाजन हैं। और जब मैं कहता हूं स्त्री और पुरुष, तो बहुत रूढ़ अर्थों में मत पकड़ना। बहुत पुरुष हैं जिनके पास स्त्रियों जैसा प्रेम से भरा हृदय, बहुत स्त्रियां हैं जिनके पास पुरुष जैसा सत्य को खोजने वाला तर्क है। अपनी पहचान ठीक से कर लेना, परमात्मा की पहचान तो पीछे होगी। अपनी पहचान ठीक से कर लेना, ऐसा कुछ मार्ग मत चुन लेना जो तुम्हारे साथ रास ना आता हो। जो तुम्हें सहज मालूम पड़े वही तुम्हारा मार्ग है। सत्य की खोज में जो अंतिम फल है वहां तू मिट जाता है, मैं का विस्फोट होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और कोई ब्रह्म नहीं। सत्य की खोज में पर से मुक्त होना उपाय है। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सत्य की खोज में उपाय है वही प्रेम की खोज में बाधा है, और जो प्रेम की खोज में उपाय है वही सत्य की खोज में बाधा है। दोनों भिन्न भिन्न जगह से चल रहे हैं, जा रहे एक तरफ, जैसे कोई पश्चिम से चला भारत आने को, कोई पूरब से चला भारत आने को। तो जो इंग्लैंड से चला वो पूरब की तरफ आ रहा है, जो जापान से चला वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। दोनों भारत आ रहे हैं, दोनों एक जगह पहुंचेंगे, लेकिन जहां से चले वह स्थान बड़ा भिन्न भिन्न है। सत्य का खोजी तू को गिरा देता है, इसलिए तो महावीर और बुद्ध परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। परमात्मा यानी तू, परमात्मा यानी पर, परमात्मा यानी जिसके चरणों में पूजा करनी, अर्चना करनी, जिसके सामने नैवेद्य चढ़ाना, परमात्मा यानी पर। इसलिए बुद्ध और महावीर परमात्मा को इंकार कर देते। पतंजलि भी बड़े संकोच से स्वीकार करते हैं, और स्वीकार ऐसे ढंग से करते हैं कि वह इंकार ही है। पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान भी सत्य को पाने का एक उपाय, एक विधि है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ईश्वर है या नहीं ये बात विचारणी नहीं, ये भी एक विधि है, मान लो काम करती है, मानी हुई बात है। समस्त ज्ञानी ईश्वर को किसी न किसी तरह इंकार करेंगे। शंकर कहते हैं ईश्वर भी माया का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरा जो आत्यंतिक रूप है वह तो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन वो जो ईश्वर है मंदिर में विराजमान, वो तो माया का ही रूप है, वो तो संसार ही है। संसार यानी पर, दूसरा, स्वयं से बाहर गए कि संसार,
फिर चाहे मंदिर ही क्यों ना जाओ या दुकान जाओ या बाजार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं से बाहर गए तो संसार में गए। मंदिर भी उसी संसार का हिस्सा है जहां दुकान है। मंदिर और दुकान बहुत अलग अलग नहीं। सत्य का खोजी कहता है पर को भूलो, पर के कारण ही तरंग उठती है। कोई भागा जा रहा है स्त्री को पाने, कोई भागा जा रहा धन को पाने, कोई भागा जा रहा प्रभु को पाने। सत्य का खोजी कहता है भाग दौड़ छोड़ो, जिसे पाना है तुम्हारे भीतर बैठा। अष्टावक्र का मार्ग भी सत्य का मार्ग है, इसलिए साक्षी पर जोर है। साक्षी हो जाओ, ऐसे गहन रूप से साक्षी हो जाओ कि तुम्हारे साक्षित्व की अग्नि में पर जल जाए, समाप्त हो जाए, राख रह जाए पर की, बचे मैं। तभी तो नमस्कार कर सकोगे स्वयं को, जहां कोई नहीं बचा अब किसको नमस्कार करे, अब किसके चरणों में सिर झुकाएं। स्वयं ही बचा तो स्वयं को ही नमस्कार। प्रेम का खोजी ठीक विपरीत दिशा से चलता, वो कहता स्वयं को मिटाना, सब कुछ समर्पित कर देना परमात्मा को, तू ही बचे, तू ही तू बचे, मैं ना बचू, मैं गल जाऊं, पिघल जाऊं, खो जाऊं, तुझ में लीन हो जाऊं, तू ही बचे। इसलिए इस्लाम, इस्लाम प्रेम की खोज है। मंसूर को बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि मंसूर ने कहा अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं। इस्लाम बर्दाश्त न कर सका। इस्लाम है भक्ति मार्ग, ये घोषणा भक्ति के विपरीत है। अगर तुम ही हो ब्रह्म तो फिर भक्ति कैसी, फिर भगवान कैसा, फिर न भक्ति है न भगवान है न भजन है। स्मरण नहीं, किसका करोगे स्मरण? स्मरण तो पर का ही होता है, सब स्मरण पर का है। इस्लाम मंसूर को बर्दाश्त न कर सका। मंसूर भारत में पैदा होता तो हम उसकी गणना महर्षियों में करते, ब्रह्म ऋषियों में करते। अरब में पैदा हुआ, फांसी लगी। यहूदी भी जीसस को बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि जीसस ने कहा कि मैं और मेरा पिता जिसने मुझे बनाया, हम दोनों एक है, वो जो ऊपर है और जो नीचे है एक है। ये घोषणा यहूदियों को पसंद न पड़ी। प्रेम के मार्गी को ये बात कठिन मालूम पड़ेगी। ये तो प्रेम के मार्गी को अहंकार की घोषणा मालूम पड़ेगी। ये तो हद दर्जे का कुफ्र, ये तो आखिरी काफिरता, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करना, क्योंकि भक्ति की पूरी व्यवस्था और है। वहां तो मैं को गलाना है, वहां तो कहना है किसी दिन कि मैं नहीं हूं, तू ही है। जलालुद्दीन रूमी की प्रसिद्ध कथा है। प्रेमी आया प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी, भीतर से पूछा प्रेसी ने कौन है, कौन खटखटाता द्वार? प्रेमी ने कहा मैं हूं तेरा प्रेमी, पहचाना नहीं। भीतर सन्नाटा हो गया, बड़ा उदास सन्नाटा हो गया, कोई उत्तर ना आया। प्रेमी जोर से खटखटाने लगा कि क्या तू मुझे भूल गई? प्रेसी ने कहा क्षमा करो, इस घर में दो के रहने के लायक जगह नहीं, दो यहां न समा सकेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। और तुम कहते हो मैं हूं तेरा प्रेमी, लौट जाओ अभी, जब पक जाओ लौट आना। प्रेमी चला गया जंगल पहाड़ों में, भटकता, ध्यान करता, पूछता, रोता, गाता, सोचता, विचार करता, कैसे कैसे पाऊं प्रवेश। अनेक दिन आए गए, चांद उगे बुझे, सूरज निकला डूबा, महीने वर्ष बीते, तब एक दिन प्रेमी वापस लौटा, द्वार पर दस्तक दी। प्रेसी ने पूछा कौन? प्रेमी ने कहा अब मत पूछो, अब तू ही तू है। कहते हैं द्वार खुल गए, तत्क्षण द्वार खुल गए।
ये द्वार परमात्मा के द्वार है। तो प्रेम में समर्पण मार्ग है, स्वयं को जला डालना, राख कर डालना। सत्य में निखारना है, संघर्ष है, सब बुराई काटनी है और आत्यंतिक रूप से पर से सारे संबंध तोड़ लेने, असंबंधित असंग हो जाना। लेकिन चमत्कार तो यही है कि दोनों एक ही जगह पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? जब तू गिर जाता है ज्ञानी का, तो मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मैं और तू साथ साथ बचते, मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम कैसे कहोगे कि मैं हूं जब तू ना रहा? जब ज्ञानी का तू गिर गया तो मैं को कैसे बचाएगा? मैं बच नहीं सकता, बिना तू के सहारे मैं बच नहीं सकता, मैं का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जब तू है ही नहीं तो मैं का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? किसे कहोगे मैं? हम उसी को कहते हैं ना जो तू के विपरीत है, जो तू से भिन्न है, जो तू से अलग है। तुमने अपने घर के आसपास बागुल लगा रखी है, दीवार बना रखी, लेकिन वो पड़ोसी के कारण। अगर पड़ोसी है ही नहीं तो किसके लिए बागुल लगाते हो? अगर सोचो तुम अकेले होते पृथ्वी पर तो घर की सीमा बनाते किसके लिए बनाते, किससे बनाते? सीमा के लिए दो चाहिए, एक से सीमा नहीं बनती। पड़ोसी चाहिए, अन्य चाहिए, पर चाहिए। जब तू ही गिर गया तो मैं कैसे बचेगा? तो ज्ञानी गिराता है तू को, और अंत में जब तू बिल्कुल गिर जाता है, बैसाखी गिर जाती, तब अचानक देखता है कि उसी के साथ मैं भी गिर गया, शून्य रह जाता। और यही घटना घटती प्रेमी को, वो मिटाता है मैं को। एक दिन मैं गिर जाता है, जिस दिन मैं पूरा गिर जाता है तू कैसे बचेगा? जब तू को कहने वाला ना बचा, जब पुजारी ना बचा, जब आराधक ना बचा, तो आराध्य कैसे बचेगा? जब भक्त ना बचा तो भगवान कैसे बचेगा? भक्त के साथ ही भगवान बच सकता है। भक्त तो गया, शून्य हो गया, तो भगवान का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन? जिस दिन भक्त शून्य हो जाता है उसी दिन भगवान भी विदा हो जाते। सब खेल दो का है, दो के बिना खेल नहीं। सब संसार दुई है, द्वैत है। तुम एक को गिरा दो किसी भी तरह, दूसरा अपने से गिरेगा। एक को तुम मिटा दो, दूसरा अपने से मिटेगा। दोनों साथ साथ चलते, जैसे एक आदमी दो पैरों पर चलता है, तुम एक तोड़ दो फिर चलेगा, फिर कैसे चलेगा? पक्षी दो पंखों पर उड़ता है, तुम एक काट दो फिर उड़ेगा, एक से कैसे उड़ेगा? स्त्री पुरुष दो से संसार चलता है, तुम सारी स्त्रियों को मिटा डालो, पुरुष बचेंगे कितनी देर? तुम सारे पुरुषों को मिटा डालो, स्त्रियां बचेंगी कितनी देर? ये खेल दो का है, ये संसार एक से नहीं चलता। जहां एक बचा वहां तो समझ लेना दोनों नहीं बचे। इसलिए तो ज्ञानियों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने, जानने वालों ने परमात्मा को एक नहीं कहा, अद्वैत कहा। अद्वैत का मतलब दो ना रहे। एक कहने में खतरा है, क्योंकि एक का तो अर्थ ही होता है कि दूसरा भी होगा। अगर कहें एक ही बचा तो एक की परिभाषा कैसे करोगे, सीमा कैसे खींचोगे? एक की सीमा दो से बनती, दो की सीमा तीन से बनती, तीन की सीमा चार से बनती, ये फैलाव फैलता चला जाता है। इसलिए हमने एक अनूठा शब्द चुना, अद्वैत। दो नहीं। पूछो परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को, परमात्मा एक है या दो, तो वो ये नहीं कहेगा एक या दो, वो कहेगा दो नहीं। बस इतना ही कह सकते, इसके पार कहा नहीं जा सकता। न एक है न दो है, दो नहीं है इतना पक्का है। इससे ज्यादा वाणी सार्थक नहीं, समर्थ नहीं। तो चाहे प्रेम से चलो, चाहे सत्य की खोज करो, एक घड़ी आएगी
न दूसरा बचता न तुम बचते, तब जो बच रहता है वही सार है, वही पूर्ण है। भक्त उसे भगवान कहेगा जो बच रहता है, ज्ञानी उसे आत्मा कहेगा। ये सिर्फ अलग अलग भाषा परिभाषा की बात है, बात वही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है यह खोज लेना कि तुम कहां हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, कहीं गलत मार्ग पर मत चल पड़ना। जो मार्ग तुमसे मेल ना खाए वो तुम्हें पहुंचा ना सकेगा, जो मार्ग तुमसे ना निकलता हो वो तुम्हें पहुंचा ना सकेगा। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए, जैसे मकड़ी जाला बुनती खुद ही निकालती अपने ही भीतर से बुनती, ऐसा ही साधक भी अपना जीवन पथ अपने ही भीतर से बुनता है। अगर प्रेम का जाल बुनने में समर्थ हो तो भक्ति तुम्हारा मार्ग है। फिर अष्टावक्र कुछ भी कहे तुम फिक्र मत करना, तुम नारद की सुनना, तुम चैतन्य मीरा को गुनना। लेकिन अगर तुम पाओ कि यहां हृदय से प्रेम के धागे निकलते नहीं, प्रेम का जाल बनता नहीं, तो घबरा मत जाना, रोने मत बैठ जाना, कोई अड़चन नहीं है। प्रत्येक के लिए उपाय है, तुम जिस क्षण पैदा हुए उसी क्षण तुम्हारा उपाय तुम्हारे साथ पैदा हुआ है, तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम्हारे अंतस्थल में प्रतीक्षा कर रहा है। तो शायद सत्य का मार्ग तुम्हारा मार्ग होगा। तब नारद के पास भड़कना मत, मीरा कितने ही गीत गाए तुम अपने कान बंद कर लेना, उसमें उलझना मत, क्योंकि वो उलझाओ महंगा पड़ जाएगा। जो तुम्हारे भीतर से आए सहज स्फूर्त हो बस वही, जो जहां भी है समर्पित है सत्य को। ये फूल और यह धूप, लहलहाते खेत नदी का कुल, क्या प्रार्थनाएं नहीं? ये व्यक्तित्व निवेदित ऊर्ध्व के प्रति क्या नहीं है? गौर से देखना फूल को वृक्ष पर, वृक्ष की प्रार्थना है, ये वृक्ष का ढंग है प्रार्थना करने का। आदमी ही थोड़ी प्रार्थना करता है। तुम तभी मानोगे जब वृक्ष जाएगा मंदिर में और गंगा जल चढ़ाएगा, तभी तुम मानोगे। जब वृक्ष पानी भर के लाएगा और शंकर जी पर चढ़ाएगा, तभी तुम मानोगे। और वृक्ष रोज अपने फूल झराता रहा शंकर पर, अपने पत्ते गिराता रहा, अपने प्राणों से पूजा करता रहा, इसे तुम स्वीकार ना करोगे? जो जहां है, जो जहां भी है समर्पित है सत्य को। ये फूल और यह धूप, लहलहाते खेत नदी का कुल, क्या प्रार्थनाएं नहीं? प्रार्थनाएं अलग अलग होंगी, अलग अलग ढंग है, वैविध्य है जगत में, और सुंदर है जगत वैविध्य के कारण। तो जब मुसलमान मस्जिद में झुके तो तुम ये मत सोचना कि गलत है, और मंदिर में जब हिंदू घंटियां बजाए तो तुम नाराज मत होना, और चर्च में जब ईसाई गुनगुनाए या बौद्ध अपने पूजा गृह में बैठकर ध्यान करे, तो तुम जानना जो जहां है वही समर्पित है सत्य को। और धूप और फूल भी प्रार्थना कर रहे, सारा जगत प्रार्थना मग्न है, झरने अपना गीत गुनगुना रहे, स्त्रियां स्त्रियों के ढंग से जाएंगी, पुरुष पुरुष के ढंग से जाएंगे। और एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए कि मेरा ढंग मुझे खोज लेना है, तो तुम दूसरी बात छोड़ दोगे, तुम दूसरों को घसीटने की आदत छोड़ दोगे। दुनिया में बड़ा अहित हुआ है, पत्नी जिस मंदिर में जाती पति को भी ले जाती, बाप जिस मंदिर में जाता बेटे को भी ले जाता। इससे दुनिया में इतना अधर्म है, क्योंकि लोगों को स्वभाव के अनुकूल सुविधा नहीं है। मैंने वर्षों घूमकर देश में देखा
किसी को पाया जैन घर में पैदा हुआ है, वो उसका दुर्भाग्य हो गया। उसके पास हृदय था भक्ति का, लेकिन जैन घर में भक्ति के लिए कोई उपाय नहीं, वहां तो ध्यान की ही गूंज एकमात्र गूंज। किसी को मैंने देखा कि भक्ति के पंथ में पैदा हो गया है, बल्लभ संप्रदाय में पैदा हो गया, लेकिन उसका कोई रस भक्ति में नहीं। ध्यान से सुगंध उठती, लेकिन ध्यान से दुश्मनी है पैदाइश के कारण। कहीं पैदाइश से कोई धर्म होता है? स्वभाव से धर्म होता है। स्वभाव यानी धर्म, पैदाइश तो संयोग की घटना है। तुम किस घर में पैदा हुए इससे थोड़ी धर्म तय होता है। दुनिया अगर सच में धार्मिक होना चाहती हो तो हमें बच्चों को धर्म में जबरदस्ती प्रवेश करवाने की पुरानी प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। हमें बच्चों को सारे द्वार खुले छोड़ देने चाहिए। उन्हें कभी मस्जिद भी जाने दो, कभी मंदिर भी, कभी गुरुद्वारा भी, उन्हें खोजने दो। सिर्फ उन्हें तुम एक रस दे दो कि खोजना है परमात्मा को, बस इतना काफी। फिर तुम कैसे खोजो? कुरान से तुम्हें धुन मिलेगी कि गीता से? तुम्हारी मर्जी। पहुंच जाना परमात्मा के घर, कुरान की आयत दोहराते पहुंचोगे कि गीता के मंत्र पाठ करते? कुछ लेना देना नहीं। तुम पहुंच जाना, अटक मत जाना कहीं। शुभ होगा वह दिन जिस दिन एक ही घर में कई धर्मों के लोग होंगे। पत्नी मस्जिद जाती, पति गुरुद्वारा जाता, बेटा चर्च में। और जब तक ऐसा न हो जाए तब तक दुनिया में धर्म नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि धर्म का पैदाइश से कोई भी संबंध नहीं। तो तुम अपनी खोज करो। मेरे पास जो लोग हैं यही मेरी देशना है उन्हें, इसलिए मैं सब पर बोल रहा हूं। तुम कभी कभी चौंकते हो, मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं आप एक ही धारा पर बोले तो हम निश्चिंत होके लग जाएं काम में। कभी आप भक्ति पे बोलते हैं, कभी आप ज्ञान पर बोलते हैं, कभी आप कहते हैं डूब जाओ, कभी कहते हैं साक्षी हो जाओ, कभी अष्टावक्र, कभी नारद। हम बड़ी विभूचन में पढ़ जाते। तुम विभूचन में मेरे बोलने के कारण नहीं पढ़ रहे हो, तुम विभूचन में पढ़ रहे हो क्योंकि तुम अभी तक ये नहीं पहचान पाए कि तुम्हारा रस क्या है। तुम्हें अपना रस समझ में आ जाए इसलिए बोल रहा हूं। ये सारे शास्त्र तुम्हारे सामने खोल रहा हूं कि तुम्हें अपना रस पहचान में आ जाए। ऐसा हुआ इंग्लैंड में, एक आदमी दूसरे महायुद्ध में चोट खाया, युद्ध में गिर पड़ा, स्मृति खो गई। बड़ी मुश्किल हो गई। स्मृति खो गई थी तो कोई अड़चन ना थी, उसे नाम तक याद ना रहा तो भी अड़चन ना थी, लेकिन युद्ध के मैदान से लौटते वक्त उसका नंबर का बिल्ला भी कहीं गिर गया। वो कौन है यही समझ में ना आए। किसी मनोवैज्ञानिक ने सलाह दी कि इसे इंग्लैंड में गांव-गांव घुमाया जाए, शायद अपने गांव को देख के पहचान ले, शायद भूली सुध आ जाए। जहां से बचपन से पैदा हुआ, जिन वृक्षों के नीचे खेला, जिस नदी के किनारे नहाया, शायद उस गांव की हवा, उस गांव का ढंग इसकी भूली स्मृति को खींच लाए। तो उसे इंग्लैंड में गांव गांव घुमाया गया। वो खड़ा हो जाता है स्टेशनों पे जाके, उसकी आंखें कोरी की कोरी रहती। सौभाग्य और संयोग की बात कि एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी जहां रुकना नहीं था गाड़ी को, संयोग वसात रुकी। आमतौर से वहां रुकती ना थी, कोई दूसरी ट्रेन निकलती थी इसलिए रुक जाना पड़ा। उस आदमी ने खिड़की से नीचे झांक के देखा और उसके चेहरे पर रोशनी आ गई। उसकी आंखें जो अब तक खाली थी भर गई। वो तो बिना कहे अपने साथियों को उतर गया नीचे। वो तो भागने लगा। उसके साथी उसके पीछे भागे, बोले पागल हो गए? उसने कहा पागल नहीं हो गया, अब तक पागल था, होश आ गया। यही मेरा गांव, ये वृक्ष, ये स्टेशन, मेरे पीछे आओ। वो ठीक भागता हुआ गली कुचों में से अपने घर के द्वार पर पहुंच गया। उसने कहा ये मेरा घर, वो मेरी मां रही। ऐसा तुम्हारे सामने मैं शास्त्र खोलता चलता हूं।
कभी अष्टावक्र, कभी नारद, कभी महावीर, कभी बुद्ध, कभी सूफी, कभी हसीद, कभी जैन, सिर्फ इस आशा में कि जहां भी तुम्हारा स्वभाव का तालमेल खाएगा किसी स्टेशन पे तो तुम कहोगे आ गया घर, किसी स्टेशन पे तो तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाएगी, तुम दौड़ने लगोगे, तुम नाचने लगोगे, किसी जगह तो तुम्हें एकदम से पुलक उमंग होगी। इसलिए बोल रहा हूं इतने पर क्योंकि मेरी मान्यता है दुनिया में जितने मार्ग हैं उतने ही तरह के लोग हैं। ये दो तो मूल धाराएं हैं ज्ञान की और प्रेम की, फिर प्रेम की छोटी धाराएं हैं, ज्ञान की छोटी धाराएं। प्रेम से निश्चित मार्ग जाता है, उतना साफ सुथरा नहीं जैसा सत्य का मार्ग। प्रेम का मार्ग तो बड़ा धुंधला धुंधला है, वही उसका मजा भी, वही उसका स्वाद भी। सत्य का मार्ग तो ऐसा है जैसे दोपहर में सूरज सिर पे खड़ा, सब साफ सुथरा। प्रेम का मार्ग तो ऐसा है जैसे सांझ होने लगी, सूरज ढल गया, अभी तारे भी नहीं निकले, संध्या बेला है। इसलिए तो भक्त अपनी प्रार्थना को संध्या कहते, पूजा को संध्या कहते। भक्तों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, धुंधली धुंधली, प्रेम रस पगी। सांझ के धुंधलके में एक राह खुलती, एक राह जिसकी उस छोर पर मंदिर मंदिर एक दीप जलता है, एक लौ मचलती है। सांझ के धुंधलके में एक राह खुलती, दबे पांवा मुझको रोशनी बुलाती है, हाथ थाम लेती है, साथ ले टहलती है। सांझ के धुंधलके में एक राह खुलती है, भीतर बाहर कुछ जगमग जगमग होता है, दिन भर की थकन घुटन वेदना पिघलती है। सांझ के धुंधलके में एक राह खुलती है, पद पद होता प्रयाग, क्षण क्षण होता संगम, प्रीति तुम्हारी मेरे प्राणों में पलती है। सांझ के धुंधलके में एक राह खुलती है। प्रेम का मार्ग तो धुंधला है, रस का मार्ग तो मस्ती का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग साक्षी का, प्रेम का मार्ग बेहोशी का। ज्ञान का मार्ग समझ का, प्रज्ञा का, प्रेम का मार्ग मदमस्तों का, मस्ती का। ज्ञान के मार्ग पर ध्यान उपाय, प्रेम के मार्ग पर प्रार्थना, भजन, नृत्य, गान। ज्ञान का मार्ग मरुस्थल से निकलता है, प्रेम का मार्ग कुंज वनों से, वृंदावन से। ज्ञान का मार्ग या सत्य का खोजी बड़ी प्रखर बुद्धि का प्रयोग करता है, तलवार की धार की तरह काटता चलता है। निषेध का मार्ग है सत्य का मार्ग, असत्य को काटते चलो, असार को तोड़ते चलो, फिर जो बच रहेगा अनटूटा वही सार है। प्रेम का मार्ग कुछ भी तोड़ता नहीं, काटता नहीं। प्रेम के मार्ग में त्याग नहीं है, विराग नहीं है। प्रेम के मार्ग में तो जो तुम्हारे भीतर राग पड़ा ही हुआ है उसी राग के सहारे सेतु बना लेना है। जो तुम्हारे भीतर प्रेम की छोटी सी रोशनी जल रही है उसी को प्रगाढ़ कर लेना। प्रेम का मार्ग तो आस्था का मार्ग है। मैं गाता हूं हर गीत मधुर विश्वास लिए, लहराती अंबर पर तारों से टकराती ध्वनि पास तुम्हारे एक समय गूंजेगी ही। मैं रखता हूं हर पांव सुधड़ विश्वास लिए, उबड़ खाबड़ तन की ठोकर खाते खाते इनसे कोई रक्ताब किरण फूटेगी ही। भक्त तो ऐसा टटोल टटोल के चलता, वो तो कहता आस्था है कभी पहुंच जाऊंगा। जल्दी भी नहीं है भक्त को, बेचैनी भी नहीं है, त्वरा से हो जाए कुछ ऐसी आकांक्षा भी नहीं है। भक्त तो कहता है ये खेल चले, जल्दी क्या है। भक्त तो कहता है प्रभु ये छिया छी चले, तुम छिपो मैं खोजू, मैं तुम्हारे पास आऊं तुम फिर छिप जाओ, खोजूं खोजूं और खोज ना पाऊं।
ये रास चले, ये लीला चले, क्योंकि भक्त के लिए ये लीला है, रास है, खेल है। ज्ञानी के लिए ये बड़ा दुर्गम मार्ग है। ज्ञानी के लिए खेल नहीं, लीला नहीं, बड़ी गंभीर बात है, उलझन है, जंजाल है, आवागमन है, इससे छुटकारा पाना है। ये अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों सही हैं, और एक के सही होने से दूसरी गलत नहीं होती, ये ख्याल रखना। अक्सर मन में ऐसा होता है अगर एक सही तो दूसरी गलत होगी। जीवन बहुत बड़ा है, विरोधों को भी संभाल लेता है। जीवन इतना छोटा और संकीर्ण नहीं जैसा तुम सोचते हो, देखने की बात है। ज्ञानी को तो लगता है जंजाल, कब छूटूं इससे, कैसे मुक्ति हो। तो ज्ञानी के लिए जो आत्यंतिक चरण है वो मुक्ति। भक्त मुक्ति की बात नहीं करता, मोक्ष शब्द ही भक्त की भाषा में नहीं, बैकुंठ। वो कहता खेले यहां वहां भी खेलेंगे, यहां बजाई तुमने बांसुरी की धुन वहां भी बजाना, यहां हम नाचे वहां भी नाचेंगे। नहीं, भक्त कहता है मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे अनंत अनंत पासों में बांध लो, तुम मुझे जितने पासों में बांध सको बांध लो, मैं तुमसे बंधना चाहता हूं। ये दोनों सही है। अब बात इतनी ही है कि तुम्हें जो सही लगे, तुम दूसरे को छोड़ देना, भूल जाना, उलझन में मत पड़ना, फिर तुम्हें जो सही लग जाए, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल आ जाए, जो तुम्हारे हृदय पर चोट करे, फिर उसी का जाला तुम बुन लेना। मगर मकड़ी की याद रखना, पुराने शास्त्र कहते हैं परमात्मा ने संसार को भी मकड़ी के जाले की तरह बुना, अपने भीतर से निकाला, और तो कहां से निकालेगा, और तो कुछ था भी नहीं निकालने को, अपने भीतर से ही निकाला होगा। और हर चीज भीतर से निकलती, एक बीज तुम देखे, इस बीज में छिपा बड़ा वृक्ष, जरा बो दो इसे जमीन में, आने दो ठीक मौसम, पड़ने दो वर्षा, और एक दिन तुम पाओगे वृक्ष फूट पड़ा, कौंपने आ गई। इस बीज में छिपा पड़ा था वृक्ष, भीतर से ही निकल रहा है। एक वैज्ञानिक ने जापान में प्रयोग किया, चमत्कार जैसा प्रयोग है। उसे प्रयोग करते करते पौधों पर यह ख्याल आया कि पौधा बीज में से ही पूरा आता है, या कि बहुत कुछ तो जमीन से लेता होगा। तो उसने एक प्रयोग किया, एक गमले में उसने सब तरह से जांच पर कर ली कि कितनी मिट्टी डाली है, एक एक रत्ती रत्ती नाप के सब काम किया, कितना पानी रोज डालता है उसका भी हिसाब रखा। वृक्ष बड़ा होने लगा, खूब बड़ा हो गया। फिर उसने वृक्ष को निकाल लिया, जड़ें धो डाली, एक मिट्टी का कण भी उस पर न रहने दिया, और जब मिट्टी तौली तो बड़ा चकित हुआ, मिट्टी उतनी की उतनी है, मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बीज से ही आया है ये पूरा वृक्ष, उस शून्य से ही प्रकट हुआ है। ऐसे ही एक दिन परमात्मा से सारा अस्तित्व प्रकट हुआ। तुम भी अपना सारा अस्तित्व अपने भीतर बीज की तरह छिपाए बैठे हो, मगर पहचान तो करनी ही होगी कि तुम्हारे भीतर प्रेम का बीज पड़ा कि सत्य का। और ये दो ही बीज है मौलिक रूप से। तुम या तो संकल्प करो या समर्पण करो। संकल्प दुर्धर्ष मार्ग, इसलिए तो वर्धमान को जैनों ने महावीर कहा, बड़ा गहन संघर्ष है। महावीर उनका नाम ही हो गया, धीरे धीरे वर्धमान तो लोग भूल ही गए, इतना संघर्ष किया। समर्पण नहीं है वहां, संकल्प है। महावीर कहते हैं असरण, किसी की शरण मत जाना। बुद्ध ने मरते वक्त कहा अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बन आनंद, कोई दूसरा तेरा मार्गदर्शन नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं मैं किसी का गुरु नहीं, और तुम किसी को भूल के गुरु बनाना मत। ठीक कहते, सहारे की जरूरत नहीं है सत्य के खोजी को। सत्य का खोजी बड़ा अकेला चलता है, अकेला चलता है इसलिए मरुस्थल जैसा होगा ही, वहां से काबे नहीं फूटता,
बहुत बार मुझसे जैनों ने कहा है कि कुंद कुंद पर आप कुछ बोले, मैं नहीं बोलता। कई बार कुंद कुंद का शास्त्र उठाकर देखता हूँ, सोचता हूँ बोलना तो चाहिए कुंद कुंद प्यारे, मगर बात मरुस्थल की, उसमें काव्य बिल्कुल नहीं। काव्य का उपाय ही नहीं, काव्य के जन्म के लिए प्रेम की थोड़ी सी धारा तो चाहिए, नहीं तो फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं उमकती, गीत नहीं गूंजते, सब सूखा सूखा है। सूखा लेना ही सत्य के खोजी का मार्ग है, इतना सूखा लेना कि सब रस सूख जाए, उसी को तो हम विराग कहते हैं, जब सब रस सूख जाए। अपने भीतर खोज लेना है, अगर तुम्हें लगे कि मरुस्थल ही तुम्हें निमंत्रण देता है, मरुस्थल में आमंत्रण मालूम पड़े, पुकार मालूम पड़े, चुनौती मालूम पड़े, तो हर्ज नहीं, फिर मरुस्थल ही तुम्हारे लिए उद्धान है। लेकिन अपने भीतर कस लेना, अपने भीतर देख लेना। और एक बात कसौटी में काम पड़ेगी, जब भी तुम पाओगे कोई मार्ग तुम्हारे अनुकूल पड़ने लगा, तुम तत्क्षण खिलने लगोगे, तत्क्षण शांति मिलने लगेगी, जैसे अचानक स्वरों में मेल बैठ गया, तुम्हें अपनी भूमि मिल गई, तुम्हारा मौसम आ गया, तुम्हारी रित आ गई फलने की फूलने की। कभी कभी ऐसा होता है किसी की वाणी सुनते ही तत्क्षण तुम्हारे भीतर एक खटके की तरह कुछ हो जाता, द्वार खुल जाते। किसी को देखते ही किसी क्षण अचानक प्रेम उमग आता, किसी के पास पहुंचते ही अचानक बड़ी गहन शांति घेर लेती, आनंद के स्रोत फूटने लगते। ये अकारण नहीं होता, जहां भी तुम्हारा मेल बैठ जाता, जहां भी तुम्हारी तरंग मेल खा जाती, वहीं ये हो जाता है। यहां मैं बोलता हूं, साफ दिखाई पड़ जाता है कौन तरंगित हुआ कौन नहीं तरंगित हुआ। कुछ पत्थर के रोड़े की तरह बैठे रह जाते, कुछ डोलने लगते, किसी के हृदय को छू जाती बात, कोई बुद्धि में ही उलझा रह जाता है। तुम मेरे पथ के बीच लिए कारा काया भारी भरकम क्यों जमकर बैठ गए, कुछ बोलो तो, क्यों तुमको छूता है मेरा संगीत नहीं। तुम बोल नहीं सकते तो झूमो डोलो तो, रागों की रोकी जा सकती है राह नहीं। रोड़ो हट धर्मी छोड़ो मुझसे मन जोड़ो, तुमसे भी मधुमेह शब्द निकलकर गूंजेंगे, तुम साथ जरा मेरी धारा के हो लो तो। जब भी तुम्हारा कहीं मेल खा जाए तब तुम और सब चिंताएं छोड़ देना, जहां तुम्हारा मन का रोड़ा पिघलने लगे, जहां तुम्हारे सदा के जमे हुए चट्टान जैसे हो गए हृदय में तरंगे उठने लगे, तुम डोलने लगो जैसे बीन को सुनकर सांप डोलने लगता है। तुम चकित होगे, सांप के पास कान नहीं होते। वैज्ञानिक बड़े मुश्किल में पड़े जब पहली दफा ये पता चला कि सांप के पास कान होते ही नहीं, बीन सुन के डोलता है। सुन तो सकता नहीं तो डोलता कैसे। तो या तो बीन वादक कुछ धोखा दे रहा है, सांप को किसी तरह से प्रशिक्षित किया है, तो बीन वादकों को दूर बिठाया गया, बीच में पर्दा डाला गया कि हो सकता है बीन वादक डोलता है, उसको देख के सांप डोलता, आंख है सांप के पास कान तो है नहीं, तो बीच में पर्दे डाल दिए गए, वीन वादक को दूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी सांप डोलता है।
तब एक अनूठी बात पता चली और वो ये कि सांप के पास कान तो नहीं है लेकिन वीन से जो तरंग पैदा होती है उससे उसके पूरे शरीर पर तरंग पैदा होती है। कान नहीं, उसकी पूरी काया डोल जाती है। जब कोई बात छूती है तो सब डोल जाता है। तो जिस बात से तुम डोलने लगो वही तुम्हारा मार्ग है। जिस बात से रस घुलने लगे तुम्हारे भीतर वही तुम्हारा मार्ग है। फिर तुम सुनना मत और क्या कोई कहता है, तुम अपने हृदय की सुनना और अपने रस के पीछे चल पड़ना। दूसरा प्रश्न,